भाइयों और बहनों, आज गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए जितने भी योजनाएं चल रही है उनके मूल में सबका साथ सबका विकास, यही हमारी प्रेरणा है। जबकि वो दल जिसने दशकों तक देश में सरकार चलाई, वो हर काम में अपनी या अपने परिवार की संभावनाएं देखता था, यही कारण है कि वहां काम से ज्यादा नाम पर जोर दिया गया। साथियों, इस पुराने सरकारी संस्कार को, आदतों को हमने बदला है, हमने नाम के बजाय काम पर ध्यान दिया है। आज सरकारी योजनाओं का नाम क्या होता है? आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ऐसी तमाम योजनाएं हैं, लेकिन कहीं पर भी मोदी का नाम नहीं है। ये दिखाता है कि हमारी नीयत जनता के विकास की है, परिवार के विकास की हमारी न संस्कृति है न हमारा इरादा है। और मेरे लिए तो ये 125 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है, और इस 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण यही मेरे लिए कल्याण का मार्ग है। साथियों, यही साफ नियत और स्पष्ट नीति इनको जरा खटक रही है। मोदी सरकारों के पुराने संस्कारों को क्यों बदल रहा है? इससे इनको तकलीफ हो रही है, इन्हें दिक्कत है कि मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई क्यों कर रहा है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलानी चाहिए कि नहीं दिलानी चाहिए? इन्हें परेशानी है कि सत्ता के गलियारों में घूमने वाले बिचौलियों को मोदी ने बाहर क्यों निकाल दिया। इन्हें गुस्सा आ रहा है कि मोदी गरीबों का अधिकार छीनने वाले, उनके राशन, उनकी पेंशन, उनको मिलने वाले हक, इसके हड़पने वाले बिचौलिए दलालों को बाहर क्यों कर रहा है। और अपने इसी गुस्से की वजह से अब ये लोग एक महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालत ये है कि जो पहले कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसते थे, वो भी एक मंच पर आ गए हैं।